नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आस्क जेन में। दोस्तों आस्क जेन एक स्पेशल फीचर है हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए और आप अगर आस्क जेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे। सो टुडेज कमेंट कम्स फ्रॉम व्हाइट कैट गार्डन और ये लिखते हैं, I watched all your valuable videos. All of them are really helpful and has great content. You have some pretty genius tips. I hope you will rise a lot more. God bless you. So thanks White Cat Garden for this beautiful comment and thanks for all of those blessings. Comment पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप इसी तरह के जो प्यारे प्यारे comment है वो channel पे करते रहिए। तो दोस्तों start कर लेते हैं video और आज का जो Ask Zen है, आज का जो question है वो आया है from Sandeepa. And Sandeepa is saying, Hello Zen Innovations, I am from Mangalore, Karnataka, so my regards to Karnataka. Just came to know about your channel recently and in past 2 weeks, I have watched most of your videos and got lot of information. When I brought the setup, I blindly went with a dealer recommendation as I was not having much knowledge on solar system. I have 150 Ah ka battery, 600 Watt ke panel hai aur Luminous ka NXG1400 PWM solar inverter hai. अब पैनल के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, तो आई अज्यूम कि यहाँ पे 100 वैट के 6 पैनल या फिर 150 वैट के 4 पैनल, मतलब जो 12 वोल्ट के जो छोटे पैनल आते हैं वो इन्होंने परचेस किए हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं आगे। नाउ आई एम इन टोटल कंफ्यूजन वेदर आई हैव टू गो फॉर MPPT चार्ज कंट्रोलर इवन दू आई हैव सोलर इन्वर्टर, इज इट वर्थ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट दोस्तों, मेरे चैनल पे जो है, जो बड़े सोलर सेटअप होते हैं लार्जर देन 300 वैट या 200 वैट, वहां पे मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है आप जितना हो सके MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में जाइए। और MPPT के जो फायदे हैं हमने लगभग हर Q&A एपिसोड में जो है डिस्कस किए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग जो है कुछ इस तरह से सोलर सिस्टम परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट Q&A एपिसोड 1 से लेकर 5, ये 5 जो एपिसोड है इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल भरी पड़ी है। आप ये वाले जो 5 एपिसोड है जरूर जाके देखिए। तो यहाँ पे जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है दोस्तों, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होती है और क्लाउडी क्लाइमेट में भी जो है ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। टेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे सोलर एनर्जी के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे जो है आप अगर MPPT लेना चाहें तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों काफी महंगे आते हैं। और इसी तरह के जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है मैंने यहाँ पे रिव्यू किया था, साइस्टेलर का चार्ज कंट्रोलर है। और ये जो हाई एंड MPPT कंट्रोलर्स होते हैं दोस्तों, इनकी जो प्राइस है मार्केट में वो है लगभग 9 से 10 हजार रूपए। अब ये प्राइस जो है ये वर्थ है या नहीं ये आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपकी जगह पे होता तो आपको जो है कंप्लीट इंटीग्रेटेड सोलर PCU, फॉर एग्जाम्पल आप UTL का गैमा प्लस ले सकते हैं, कोई और ब्रांड का अगर आपको इंटीग्रेटेड PCU पसंद आता है तो वो ले सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट PCU है दोस्तों, ये आपको लगभग उतने ही प्राइस में, मतलब 9-10 हजार में आपको पूरा PCU मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक MPPT कंट्रोलर के प्राइस में आपको एक इन्वर्टर फ्री मिल गया है। तो यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं डायरेक्टली एक सोलर PCU परचेस कर लेता रादर देन गोइंग फॉर सेपरेट MPPT कंट्रोलर। तो इसके बारे में आप सोचिए, आपका जो ये पुराना जो आपका PWM कंट्रोलर है उसको आप कहीं और इस्तेमाल कर दीजिए या फिर उसको आप सेल आउट करने की ट्राई कीजिए। इसके आगे यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, डू वी गेट एनी ऑप्शंस फॉर लो एंड हाई कट ऑफ वोल्टेजेस इन चार्ज कंट्रोलर? जी हाँ, अगर आप हाई एंड चार्ज कंट्रोलर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो है साइस्टेलर चार्ज कंट्रोलर की बात की थी, तो वहां पे आप एक्चुअली इसको कन्फिगर कर सकते हैं कि हाई कट और लो कट आपको कितना रखना है। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, डू वी गेट एनी ऑप्शन फॉर डिसेबलिंग ग्रिड चार्जिंग इन ए चार्ज कंट्रोलर? नाउ आई एम मैन्युअली टर्निंग ऑफ द मेन स्विच। तो यहाँ पे संदीपा जी, दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड, क्योंकि आपका जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये ग्रिड से चार्जिंग करता ही नहीं है, राइट? तो जो ग्रिड से जो चार्जिंग करने का काम है वो रहेगा आपके इन्वर्टर के अंदर। तो अगर अलग से आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा रहे हैं तो उसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपके इन्वर्टर के अंदर जो चार्जिंग सर्किट लगा हुआ है ग्रिड चार्ज करने का उसको बंद करे। तो यहाँ पे जो है आप ग्रिड को मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं तो आपका ग्रिड का कनेक्शन निकल जाएगा, लेकिन जब भी ये वाला जो स्विच है ग्रिड का, ये ग्रिड आप उसको देंगे तब जो आपका नॉर्मल इन्वर्टर होता है जिसमें ग्रिड चार्जिंग बंद करने का फंक्शन नहीं होता, तो वो जो इन्वर्टर है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो क्या करता है कि ढेर सारी एनर्जी ग्रिड से लेता है और आपकी बैटरियां चार्ज करता है। क्योंकि आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसको वही लगता है कि यार बहुत टाइम से लाइट गई हुई थी और अभी लाइट वापस आई है, तो लाइट आने के बाद में ये जो बैटरियां पड़ी है इनको फटाफट से चार्ज करो, तो वो उसी तरह से काम करते हैं।
तो यहाँ पे जब भी आप सोलर पीसीयू परचेस करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस पीसीयू के अंदर ग्रिड चार्जिंग डिसेबल करने का ऑप्शन उसके अंदर इनबिल्ट रहे, क्योंकि ये जो अंदर के जो सर्किट है दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सर्किट ओपन करके उसमें छेड़छाड़ करें, उसमें चार्जर की आप वायर कट वगैरह करें, बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो पहले से ही ऐसा पीसीयू लीजिए, यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने समझाया है कि ग्रिड चार्जिंग बंद करके बिजली का बिल किस तरह से बचाया जा सकता है। हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने पिक कर लिया, यहाँ पे फोर्थ हम ले लेते हैं। माय करंट सोलर इन्वर्टर डोंट हैव एनी अबव ऑप्शन सिंस इट इज 1 ईयर ओल्ड एंड आई ऑलरेडी स्पेंड 50K, इज इट वर्थ नाउ टू गो फॉर चार्ज कंट्रोलर ऑप्शन, थैंक यू। तो संदीपा जी, यहाँ पे जो है मैं समराइज कर दूं का, अगर यहाँ पे मैं रहता आपकी जगह पे तो अलग से MPPT चार्ज कंट्रोलर में 10,000 रुपए नहीं डालता। यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली सोलर पीसीयू परचेस कर लीजिए, वो ज्यादा वर्थ वाइल रहेगा। उसमें MPPT कंट्रोलर भी मिल जाएगा, इन्वर्टर भी मिल जाएगा, ग्रिड चार्जिंग डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और ये जो आपका जो पुराना इन्वर्टर है दोस्तों, इसके साथ में आप एक DC बेस्ड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। मतलब ये जो आपका जो एक्स्ट्रा सोलर इन्वर्टर है, या तो आप उसको सेपरेट जो है बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कीजिए अलग से पैनल लगा के, या कोई जो DC लोड है, मतलब इन्वर्टर का जो आपका जो मेन है, जो स्विच है, उसको ऑफ कर दीजिए, उसके ऊपर जो बैटरी है वहां से DC सोलर सिस्टम बनाइए। DC की जो DC सोलर सिस्टम है उसकी बात हमने की थी Q&A एपिसोड 18 में, एपिसोड 18 एक बार यहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।